अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर झुंझुनू के एएन कार्यालय में प्रबंध निदेशक के नाम एएन राजकुमार राव को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में निगम के निजीकरण का विरोध किया गया है, साथ ही अनुकंपा पर लगे कर्मचारियों का राज्य सरकार की तर्ज पर लिपिक बनाने और कोविड-19 के तहत स्थगित वेतन को वापस देने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष देवकरण सैनी ने बताया कि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो 26 जून को खंड स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन का प्रोग्राम आज हमारे पूरे सभी उपखंड कंपनी के जितने भी उपखंड हैं उनमें आज ज्ञापन दिया जा रहा है, सहायक अभियंता के माध्यम से एमडी को दिया जा रहा है। और इसमें मेनली जो हमारा अभी 2020 का विद्युत सुधार बिल जो आया है केंद्र सरकार का, उसमें निगमों का निजीकरण कर रहे हैं विद्युत निगमों का, तो प्रबल मांग हमारी है कि निजीकरण रुके, इसके लिए आज ये आगाज किया है। तो इसमें आज सभी उपखंडों को दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी लेवल की हमारी मांग पत्र की कुछ डिमांड है, तो आज तक उनका समाधान नहीं हुआ है, उसके लिए भी दबाव बनाने के लिए दिया गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।